एक इस पीएसडीपी में चिनाबे वाला, इस पीएसडीपी में अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास तकरीर है मेरे दोस्त जहूर बुलेदी साहब, ये पढ़ी हुई है, ये पीएसडीपी है। मैं सारी रात बैठ के उसको पढ़ता हूं, देखता हूं। सर भाई एक मिनट नहीं, जमरक साहब प्लीज प्लीज आप बैठे देखे, मैं प्लीज मैं मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बैठे जनाब स्पीकर साहब, इस पीएसडीपी में ये 86 बिलियन का पीएसडीपी था। मैंने अखबार के सबूत आपको दिए कि 37 अरब रुपए अभी तक खर्च नहीं हुए। इनका कसूर नहीं है हुकूमत का, ये विजन की बात है। ये कोई बेचारे बलोचिस्तान के दुश्मन नहीं है, मसला ये है इनकी सोच इधर तक महदूद है। इधर आपको ये सोच का बैरियर, वो जो जिस तरह नहीं होता कि साउंड बैरियर, यहां आपको थॉट्स का बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा, तब आप बलोचिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं। ये मेरे पास वो तफसीलात हैं जो तकरीर में भी बयान की गई, पीएसडीपी में भी बराए नंबर में पढ़ूंगा। 6 महीने गुजर गए, पीएसडीपी में सिर्फ 9% स्कीमात पर अमल दरामद हो सका है। इस पीएसडीपी में जिनाबे वाला 40 अरब रुपए के करीब, इनको कहते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट या स्कीम, जो जहूर साहब ने, मेरे भाई ने तकरीर में कहा, ये उनकी तकरीर है, मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता, एक एक पेज पे जाके उनको दिखा सकूंगा। इसमें से मैं अब आपको बोलता हूं, इस जनाब स्पीकर इसलिए ये जरूरी है, ये साल खत्म होने वाला है, कोई हमें मलामत करेगा कि यार ये बात तो आप दिसंबर में कर देते, आपने उस वक्त ये बात नहीं की। 6 महीने तकरीबन बजट को पूरा होने को आ रहा है, 5,300 मिलियन यानी 5.5 अरब रुपए का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो आपके हल्के में, मेरे हल्के में, सारे डिस्ट्रिक्टों में उन पैसों ने जाना था, ताकि हम लोगों के छोटे मोटे फलाह बहबूद के स्कीमों पर वो पैसे खर्च करते। अब इसका फार्मूला क्या बनेंगे, क्या बनाएंगे जनाबे वाला, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्टों में अभी तक 1 रुपया तक इससे नहीं गया है, मैं अभी आपको गिनाता हूं। इसके बाद एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था स्पोर्ट्स कंप्लेक्स का, जो 3,000 मिलियन का यानी 3 अरब रुपए का है। इस पे जनाबे वाला ये कछुए की रफ्तार से अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ और वसूख के साथ कहूंगा कि आने वाले जून तक इस पे कोई पेशरफ्त नहीं होगी। इसके अलावा जनाबे वाला स्पोर्ट्स और इसी यूथ में 1,300 टोटल, ये मैं मिला के जिसमें फिशरीज है, इरीगेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, आपकी बारी आएगी सुन लेंगे। जनाबे वाला चालीस अरब रुपए के स्कीमात जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अभी तक जीरो प्रोग्रेस है। 40 अरब, 86 बिलियन का पीएसडीपी है, 37 अरब रुपए आपने वापस कर दिए, 40 अरब के स्कीमात पर जीरो प्रोग्रेस है। मैंने टाइम नहीं है, मैं तो इनको, इनकी खुशकिस्मती है मुझ जैसा आदमी आपको आईना दिखा रहा है, आप तो सुबह उठ के देखते नहीं है, मैं आपकी हुकूमत को आईना दिखा रहा हूं ताकि आप अपने पलक दुरुस्त करें। ये अपोजिशन आप और जनाबे वाला ये मुख्तसर कर दे फिर नमाज़ के लिए। मैं मुख्तसर, अब ये देखें जनाब स्पीकर जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त ये हुक्मरानी का बोरान, मैं उनसे भी अपील करता हूं, खुदा के लिए बलोचिस्तान के लोग हमसे हिसाब मांगेंगे। लहजा जनाब स्पीकर, ये जो तमाम चीजें आपके सामने हैं, मैं आपसे एक इस्तदा करता हूं, आपसे एक इस्तदा करता हूं कि आप इस पर रूलिंग दें, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी ये बलोचिस्तान के पैसे वापस भेजे गए इस पर जवाब तलब करें। पीएसडीपी पे ये जो स्लो मोशन प्रोग्रेस है, ये बड़ा सेलेक्टिव सा है। अख्तर लांगर साहब ने एक बात की, मैं अभी इसको आगे ले जाऊंगा। इस पीएसडीपी में 30 अरब रुपए के करीब ऐसे स्कीमात हैं जो गैर मुंतखब या अल इंतखाबात में नाकाम अफराद कोई रजामंदी से डाले गए। अच्छा, ये वो स्कीमात हैं जो फज और फ्रॉड के हैं, कि ताकि वो लोग आने वाले इलेक्शन के लिए पैसे जमा कर सकें। जो हमारी पीएचडीपी है उसका कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या उसका डेवलपमेंट के हवाले से या बलोचिस्तान में माशी तरक्की के हवाले से कोई किरदार नहीं है। तो जनाबे वाला, जनाबे स्पीकर, बहुत शुक्रिया,
उम्मीद है, उम्मीद है कि आप स्पीकर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। अब जनाब स्पीकर।